हेलो गाइज, आई वेलकम यू माई चैनल टेकी की सिब्रॉस एंड गाइज माई सेल्फ अभिनव चौधरी। और गाइज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस एपिसोड में जो कि है टेकी की सिब्रॉस फोटो एडिटिंग सेक्शन गाइज। और गाइज, आज के इस फोटो एडिटिंग सेक्शन में गाइज मैं आपको फोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ अपने अमित भदाना सर का। सो गाइज, आप सभी तो इन्हें जानते होंगे, ये आजकल यूट्यूब के सेंसेशन बने हुए हैं, इनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है। सो गाइज, आज मैं आपको आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि गाइज मैं आपको इस वीडियो में अमित भदाना सर की फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने उनके नॉर्मल फोटो को किस टाइप का धासु लुक दिया है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आप सबसे बोल देना चाहता हूँ कि आप नीचे दिख रहे इस सब्सक्राइब के रेड कलर वाले बटन को प्रेस कर दे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले, ताकि आपको मैं जो पिक्सार एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देता हूँ, टेक अपडेट्स देता हूँ और बहुत सारे वीडियोस जो मैं देता हूँ वैकेंसीज पे, जॉब वैकेंसीज पे, आपको सब वीडियो सबसे पहले मिले। इसके लिए गाइज आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। गाइज, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी तरफ से जो भी न्यू वीडियोस आएगी आपको उसके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो गाइज, नोटिफिकेशन आइकन को और गाइज समझो गाइज सब्सक्राइब कर दें। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, मैंने एक बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है पिक्सार्ट में। और गाइस, चलिए क्लिक करते हैं ऐड फोटो पे और गाइस चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं अमित भदाना सर का फोटो। उससे पहले गाइस हम एक बोके इफेक्ट डालेंगे पीछे की ओर। तो गाइस, उसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया था गाइस, उसमें से मैं क्रॉप कर देता हूं अनवांटेड बैकग्राउंड्स को। और गाइस, चलिए इसे प्लेस कर देते हैं हमारे इस फोटो के बैकग्राउंड पे। और गाइस, बैकग्राउंड प्लेस करने के बाद चलिए चलते हैं ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है। तो चलिए इरेज़ टूल सेलेक्ट करके गाइस ट्री के पेड़ पे से हम इसे हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि ये सिर्फ बैकग्राउंड में रहे। इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा के गाइस हम नीचे से भी इरेज कर दें ताकि ऐसा ना लगे कि आर्टिफिशियल हो। गाइस, चलिए डन पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये बोके इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है इस बैकग्राउंड पे। सो गाइस, चलिए सेलेक्ट करते हैं अमित भदाना सर का फोटो जिसे कि मैंने पहले से कटआउट करके रखा हुआ है। सो गाइस, इन्हें यहाँ प्लेस करने के बाद चलिए चलते हैं एडजस्ट पे। और गाइज, एडजस्ट ऑप्शन पे चलने के बाद गाइज हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी होंगी। सो गाइज, सबसे पहले इन्हें फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे। सो गाइज, चलिए इनकी फोटो फिक्स हो गई है गाइज। सो गाइज, अब चलिए चलते हैं एडजस्ट ऑप्शन पे। और गाइस, चलिए एडजस्ट में चलने के बाद गाइस हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि फोटो इसकी टोन उभर जाए। और गाइस, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद गाइस चलिए चलते हैं शैडोज़ को भी हम थोड़ा सा घटा देते हैं ताकि इनके कपड़े की कलर और डार्क हो जाए। और हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद गाइस चलिए डन पर क्लिक कर देते हैं। और गाइस, डन पर क्लिक करके चलते हैं ऐड फोटो पर दोबारा से क्लिक करते हैं गाइस। और चलिए गाइस कुछ और टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं जैसे कि सनलाइट की पीएनजी हम सेलेक्ट करते हैं अपने गैलरी में से। और गाइस, इसे स्क्रीन ऑप्शन पर चूज़ करके गाइस हमें यहाँ अमित भदाना सर के बगल में इसे फिक्स कर देना है। आज के टेम्परेचर को हम चेंज कर देते हैं जो कि बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर जाए। उस पर डन पर क्लिक कर देते हैं। अगर चलिए हमारे आगे स्टेप फॉलो करते रहे। और गाइस, कमेंट करके जो बताया आपको गाइस ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइस जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और गाइस, हमारे चैनल गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सो गाइस, चलिए ऐड फोटो पर चलते हैं। इससे पहले गाइस हमें चैनल टेक्स्ट पे चलते हैं और गाइस इनकी टाइटल लिख देते हैं जहर, कतई जहर। सो गाइस, चलिए उसे टाइप कर देते हैं। और गाइस, डन पर क्लिक करने का चलिए एरो क्लिक कर देते हैं। और गाइस, चलिए टेक्स्ट इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए गाइस टेक्स्ट तो एक ही अच्छा रहेगा, शायद परमानेंट मार्कर टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना होगा। देखते हैं कौन सा टेक्स्ट इस पर अच्छा लगता है। सो गाइस, जल्दी जल्दी टेक्स्ट इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, आप सभी देख पा रहे हैं परमानेंट मार्कर का टेक्स्ट इस पर अच्छा लग रहा है। तो गाइस, हम इसी को रहने देते हैं और इसकी साइज़ को बड़ा घटा लेते हैं। और चलिए इसके कलर्स को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि ये देखने में आसानी हो। सो गाइस, चलिए फास्टली कलर चूज़ कर लेते हैं और इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं।
और गाइस चलिए ये डन हो चुका है। सो गाइस चलिए इतना कुछ हो जाने के बाद चलिए गाइस क्लिक करते हैं डन पे। इसकी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इसका कोई लेटर कटे ना। सो गाइस हो गया है गाइस, चलिए डन पे क्लिक कर देते हैं अब। और सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। अब हमारी अमित भंडाना सर की फोटो एडिटिंग हो गई है। सो गाइस जब हम इसे सेव कर लेते हैं गैलरी में। और गाइस कमेंट करके जो बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे। और गाइस हमारे चैनल गाइस सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।